आज की यात्रा दोस्तों हमारी प्रारंभ हो रही है। आप देखेंगे तो ये पूरा धाम बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर महाराज जी दर्शन देते हैं। तो गेट देखिए दोस्तों, 1710 में ये मलुकपीठ जी के महाराज जी, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि 100,000 हनुमान जी के दर्शन करें। ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ के जो रघुनाथ जी है इनका श्री विग्रह 700 वर्ष पुराना है। यहाँ पर है बाल भोग में पोहा और बर्फी का नाश्ता, तो चने का साग लगा हुआ है। दोस्तों यात्रा का अगला पड़ाव अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों यात्रा फिर से आरंभ हो रही है। यहाँ से राघव जी पूरी पैकिंग कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, यात्रा फिर से चल पड़ी है और ड्राइव कर रहे हैं राघव जी। आज के पहले हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि जिससे आज रास्ता पूछा उसने बोला था कि आंख बंद करके सीधे चले जाना, तो अच्छा हुआ राघव जी ने आंखें बंद नहीं की। तो राघव जी बताएंगे कैसे, आइए स्टार्टिंग करते हैं। हंसी मजाक भी जरूरी है यात्रा में। तो राघव जी जा रहे हैं आत्मदाह तो नहीं बोल सकते, आत्म जल संभाल। तो पानी कितना ऊपर है, कूद रहा हूँ मैं, ऐसा मन में सोचूंगा। क्या बोल रहे हो? मैं इसमें अंदर पहुंच चुका हूँ, जल में पैर रहा हूँ। अरे तुम इधर आ जाओ, असंवैधानिक रूप से अच्छा ये काम किया है मंदिर की बिना परमिशन के, थोड़ा तारा डाल दिया है। अब ऐसा थोड़ी होता मंदिर में सुबह तक पट्टी नहीं खुले। क्या नाम है तुम्हारा? बोला। सच में बोले हो क्या? ऐसे ही नाम रख दिया बोला। जय श्री राम। रास्ता कच्चा जरूर है लेकिन हौसले हमारे चट्टान की तरह एकदम बुलंद है। जय श्री राम। बिलोनी वाले हनुमान जी के मंदिर में हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही राघव जी वॉल्यूम बढ़ा दे ताकि इसके वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए। नदी के साथ मजाक हो गया क्या? और बाहर लटक रही पूरी चूड़ियां, अगर ये गाड़ी गिरी तो कितनी सारी चूड़ियां टूटेंगी। तो राघव जी ने ये लगा रखा है स्पीकर और इन्होंने भी लगा रखा है। पूरे भारत का इकलौता ये मंदिर बताया जा रहा है। दादा क्या महिमा है इस मंदिर की, आप बता रहे थे सिद्ध बाबा ने चंबल नहीं निकला। हाँ। 125-150 साल पुराना। ऊंचे नीचे भेड़ है, चंबल के भेड़ है ये। ये दोनों तीनों भाई जो है ना ये आगे आगे इस बाइक से हमें मार्गदर्शन करते रहे इनका। और यहाँ जो टाइम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी के मीटर में। जय श्री राम दोस्तों आज है यात्रा का 53वां दिन और आज हम निकलेंगे आगे की तरफ, लेकिन अभी हम खनेता धाम में रुके हुए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आश्रम बना रखा है, सर्व सुविधा युक्त, और यहाँ संस्कृत विद्यालय भी है तो विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। आप पीछे देख पा रहे हो वहाँ पर सुबह का बाल भोग ले रहे हैं। तो आज की यात्रा रहेगी दोस्तों गोहद की तरफ, हम गोहद की तरफ बढ़ेंगे जिसमें एंडोरी वगैरह भी कवर करते जाएंगे, जितने भी गांव मिलेंगे छीमका वगैरह वो भी कवर करेंगे। तो देखते हैं कि वापस लौट के यहीं आने का है या फिर हम कहीं गोहद में स्टे कर सकते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है ना दोस्तों उसमें हम गोहद की यात्रा करने वाले हैं, और अगर आप गोहद से हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि वीडियो शाम को आएगा, ये उसी दिन का वीडियो नहीं रहेगा या फिर शाम का आएगा। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं यात्रा, उससे पहले दर्शन करते हैं। जय श्री राम। तो आज की यात्रा दोस्तों हमारी प्रारंभ हो रही है खनेता धाम स्थित विजयराम धाम से, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे श्री विजयराम दास संस्कृत विद्यालय भी है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा धाम बना हुआ है। तो आज आपको दर्शन भी कराएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सारी सुविधाएँ। ऊपर हम रुके हुए थे तो यहाँ पर जो है बढ़िया रूम मिल गया था हमको, और आप इस तरफ देखेंगे सामने तो यहाँ है ऑफिस, तो ऑफिस भी विजिट करा देंगे आपको। और इस तरफ आप देखेंगे तो इधर है मंदिर, तो मंदिर के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो यहाँ मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर महाराज जी दर्शन देते हैं, और यहाँ पर देखिए कई सारे चित्र हैं राम माता जानकी जी, और यहाँ आप देखिए बैठने के लिए, तो जो भी भक्त आते हैं वो यहाँ से दर्शन ले सकते हैं महाराज जी के। और काफ़ी बड़ा परिसर है सर्व सुविधा युक्त। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा हनुमान जी महाराज के और राम दरबार के। तो यहाँ से मैं एक बार आपको व्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो छात्र हैं संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही सुबह हमने देखा। चलिए
अंदर चलते हैं, तो गेट देखिए दोस्तों। अभी राघव जी शूट कर रहे हैं और यहाँ है श्री राम दरबार। दर्शन कीजिए दोस्तों। यही और पीछे की तरफ है हनुमान जी महाराज और माता रानी भोलेनाथ। तो काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है, ये पुराना मंदिर है वैसे। ये हनुमान जी महाराज की आवा के दर्शन कर लीजिए। दिन की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन से, माता रानी के दर्शन से और हमारे भोलेनाथ से। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ये खनेता स्थित मंदिर है। ऊपर देखिए और यहाँ पर कुछ चित्र लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये खनेता धाम के ही सारे चित्र हैं, बड़े बड़े संत जो यहाँ पर आए हुए थे। ये मलुकपीठ जी के महाराज जी, ये कनकेश्वरी देवी, सभी संतों के यहाँ पर चित्र हैं। काफ़ी अच्छी हवा है यहाँ पर। ये है विजयदास जी महाराज चरण पादुका। श्यावर राम चंद्र की जय, रघुनाथ जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे जी राघवेंद्र खेमरिया, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि 1 लाख हनुमान जी के दर्शन करें, तो इनका यह दृढ़ संकल्प बहुत अद्भुत है। और आज रात्रि का इनका श्री खनेता धाम में इनका विश्राम हुआ, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो खनेता धाम है ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ के जो रघुनाथ जी हैं, इनका श्री विग्रह 700 वर्ष पुराना है। खनेता के रघुनाथ जी और जम्बू के रघुनाथ जी, ये दोनों विग्रह एक ही समकालीन के हैं। गत वर्ष यहाँ पर सभी संप्रदाय की आचार हम लोगों ने महाराज जसरी की रजक जयंती मनाई, उसमें सभी चारों शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण हुआ। तो खनेते की जो पावन भूमि है, यहाँ पर ये तीर्थ है, तीर्थवत है, जहाँ पर संत पधारते हैं तो तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरदास। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से, महाराज श्री के सुआशीर्वाद से, यहाँ पर विजयराम संस्कृत विद्यालय भी चल रहा है, संत सेवा भी होती है, गायों की सेवा भी होती है। ये सब महाराज श्री की प्रेरणा के द्वारा ही सारे कार्य चल रहे हैं। तो हम इनके लिए सुआशीर्वाद देते हैं कि भगवान इन्हीं को इस प्रकार से चिरायु रखें और इस धर्म का प्रचार प्रसार। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं बाल भोग, आपको दर्शन कराते हैं। अब यहाँ से यात्रा निकलने वाली है, उससे पहले यहाँ आश्रम से हमें मिल गया है बाल भोग। तो यहाँ पर है बाल भोग में पोहा और बर्फ़ी का नाश्ता। तो ये जो बर्फियाँ हैं ये सब मेरी नहीं है, राघव जी की भी है कुछ, हालांकि राघव जी 3 खा चुके हैं, मैंने 1 ही खा पाई है। और यहाँ पर देखो राघव जी लगे हुए हैं, पोहा भी 3 दोनों ही खा रहा हूँ मैं। और चाय बताओ, चाय हाँ? चाय भी तो बताओ, चाय तो एक ही पीना, झूठ मत बोलिए, एक इधर एक नीचे, हाँ 2 हो गई ना। तो अभी दोस्तों हम आए धाम की गौशाला में, तो राघव जी उधर पार्क में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चने का साग लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा साग मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से क्रॉस करके हम जा सकते हैं इस तरह से, हाँ। तो ये है चने का देसी साग, थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। ऐसे भी खा सकते हो आप, ताज़ा ताज़ा साग, बढ़िया। तो यहाँ पर चने का साग हो रहा है। और यहाँ पर रुकने के लिए रूम्स हैं, पूरा मैदान है, वॉशरूम उधर बने हुए हैं दूर,
और अभी जो डेवलप हो रहा है मेन धाम वो है, यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ तो उस तरफ रोड क्रॉस करके, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था आपको इस गांव में स्थित इस धाम में मिल जाएगी। यह पानी का टैंक बना हुआ बड़ा, साग बहुत नरम और टेस्टी है। इधर गार्डन में फूल वगैरह भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों यात्रा का अगला पड़ाव अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पैकिंग वगैरह करके रेडी हो चुके हैं, अभी हम प्रसादी पाएंगे यानी दिन का भोजन करेंगे। 11:30 बजे का समय हो गया है। नीचे खड़ी हुई है हमारी बाइक, तो सारा सामान फिर से हमें बांधना है अपनी बाइक पर। और ये जो आश्रम है तनेटा गांव में, काफ़ी बढ़िया आश्रम है, तो अभी प्रसादी पाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों यात्रा फिर से आरम्भ हो रही है। यहाँ से राघव जी पूरी पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैकिंग का जिम्मा राघव जी के पास ही रहता है, इनको अच्छे से बांधने का अनुभव है। तो अब यहाँ से निकलेंगे, करीब 3-4 किलोमीटर और चलेंगे एडोरी गांव में, वहाँ पर जो भी हनुमान जी के मंदिर होंगे वो कवर करेंगे और सीधे निकलते हुए गोद पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों यात्रा फिर से चल पड़ी है और ड्राइव कर रहे हैं राघव जी। यात्रा फिर से बुला दिया इन्होंने आज फिर से अपने फोन में, मगर मुझे पता नहीं कौन से ख्याल सोए रहते हैं राघव जी। थोड़ा सा मन विचार है कि हम बिजनेस कर रहे हैं ये। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्राम छरेटा में और आज के पहले हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर राघव जी ने तो दर्शन कर लिए हैं और आप भी कर लीजिए यात्रा के पहले हनुमान जी के दर्शन। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं छरेटा के हनुमान जी से। जय श्री राम। आज का भी रास्ता दोस्तों जो शुरुआत हुई है वो कच्चे रास्ते से हुई है, कुछ इस तरह के रास्ते मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ छरेटा गांव में ही हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आज बहुत खतरनाक रास्ते मिलने वाले हैं। आज राघव जी कह रहे हैं बहुत खतरनाक रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि जिससे आज रास्ता पूछा उसने बोला था कि आँख बंद करके सीधे चले जाना, और आगे रखा हुआ था गोबर का ढेर। तो अच्छा हुआ राघव जी ने आँखें बंद नहीं की, नहीं तो सीधे अंदर ही चले जाते। यहाँ पर हनुमान जी हैं और यहाँ हमें ये बम्बा पार करना, मतलब कि ये नाला पार करना, नाला तो नहीं है, एक तरह से नहर है। और यहाँ एक पतला सा खम्बा रखा हुआ है, ऐसे नहीं इसको पार करो अंदर घुस के। तो राघव जी बताएंगे कैसे, आइए स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हम तो अनाड़ी हैं, अभी अभी चले हैं धर्म की राह पे, तो राघव जी को ज़्यादा अनुभव है। तो थोड़ा दोस्तों हंसी मजाक भी जरूरी है यात्रा में, अगर सीरियस ही वीडियो बनता रहेगा तो पूरा टाइम सीरियस ही चले जाएगा है। तो ये तो विनोद, तो राघव जी जा रहे हैं आत्मदाह तो नहीं बोल सकते, आत्म जल समाधि जल बहुत ऊपर है। अच्छा हाँ देखिए दोस्तों पानी कितना ऊपर है, कूद रहा हूँ मैं, ऐसा मन में सोचूंगा। क्या बोल रहे हो? मैं इसमें अंदर पहुंच चुका हूँ, जल में पैर रहा हूँ। अरे तुम इधर आ जाओ, नहीं तो पता चलेगा कि किसके साथ गए थे राघव जी, तो मैं फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों राघव जी कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन। अब यहाँ पर ताला लगा हुआ था और पर्दा भी लगा हुआ था, राघव जी ने ये डंडे का इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं उसको, पर्दा खोल दिया। नहीं असंवैधानिक रूप से अच्छा ये काम किया है मंदिर की बिना परमिशन के। तो यहाँ से दर्शन, तो ये तो विनोद की बात है दोस्तों। अब पर्दा फिर से लगा देते हैं हम, क्योंकि अब किसी ने यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ताला डाल दिया है। अब ऐसा थोड़ी होता मंदिर में सुबह तक पट्टी नहीं खुले, तो इसलिए हम पर्दा हटा के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच गई है यात्रा एड़ोरी गांव में, और ये पुराना थाना और यहाँ पर एक छोटा सा माता का मंदिर है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है। तो राघव जी पहुँच गए वहाँ और अभी हम भी पहुँच रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम सभी दर्शन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ये कौन सा गांव है, हाँ, और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आए, तो ये बच्चे मिल गए। क्या नाम है तुम्हारा? भोला। सच में बोले हो क्या, ऐसे ही नाम रख दिया भोला? कौन से क्लास में पढ़ते हो? एट्थ में। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या गुड़िया? अच्छा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
देखिए दोस्तों, रास्ता हनुमान जी के मंदिर के लिए जा रहा है। रास्ता कच्चा जरूर है, लेकिन हौसले हमारे चट्टान की तरह एकदम बुलंद है। तो जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। हम आ गए हैं दोस्तों बिलोनी वाले हनुमान जी के मंदिर में। काफ़ी सुंदर आवा है, छोटा सा मंदिर है लेकिन आवा काफ़ी सुंदर है और काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर पूरा आश्रम है, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर कुआं भी है। तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ी यहाँ दर्शन करने आने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जय श्री राम। राघव जी गाने चला रहे हैं, हम फिर से वापस जा रहे हैं। जैसे ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वैसे ही राघव जी वॉल्यूम बढ़ा दें ताकि इसके वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए। सही कह रहा हूँ ना राघव जी? बिल्कुल। कौन सी नदी इतनी छोटी? नदी है, नदी के साथ मजाक हो गया क्या? यहाँ राघव जी इतने से सामान में डरते हैं और गाड़ी गिर गई तो क्या होगा। और यहाँ देखिए आप, आश्चर्यचकित चीज दिखा दें आपको। देखिए चूड़ियाँ बिछ रही हैं मोटरसाइकिल पर और बाहर लटक रही पूरी चूड़ियाँ। अगर ये गाड़ी गिरी तो कितनी सारी चूड़ियाँ टूटेंगी। और यहाँ जैसे ये राघव जी ने ये लगा रखा है स्पीकर, और इन्होंने भी लगा रखा है। तो राघव जी आ जाओ। तो भाइयों अभी देखो हम किस रास्ते पे आ गए। आगे चल के एक नदी मिलने वाली है। अब नदी कौन सी है ये तो पता नहीं है, पुल हमें दिख गया है। लेकिन यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो रास्ता है वो किस तरह का है। और यात्रा करते करते हमें करीब 3:30 बज गए हैं और चली जा रही है यात्रा। आज का जो टारगेट है वो हम पूरा करने की सोच रहे हैं, लेकिन रास्ते इतने दुर्गम है कि टाइम अधिक लग रहा है। बाकी हौसला तो बुलंद है, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था, हौसला तो चट्टान जैसा बुलंद है। बोलो जय सियाराम। भगवान के यानी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पूरे भारत का इकलौता ये मंदिर बताया जा रहा है इनके द्वारा। क्या नाम है आपका? भीकाराम उपाध्याय है ना। भीकाराम उपाध्याय जी एनो के हैं और यहाँ पे हनुमान जी के भी दिव्य दर्शन आप सभी को हम कराते हैं। हनुमान जी की भी अद्भुत आवाज है। जय सियाराम, जय सियाराम। ये संख्या लिख लें, ये आवाज भी बहुत अद्भुत है। जय सियाराम। ये भी नहीं मिलेगी अपन को कहीं। दादा क्या महिमा है इस मंदिर की? आप बता रहे थे सिद्ध बाबा ने चमत्कारों से कुएं से पानी निकाल लिया था। जैसे कुआ जमीन पे यहाँ पानी नहीं था कहीं भी। अच्छा। खार और झरना चलता है नीचे। हाँ। नदी है। अच्छा, कौन सी नदी है? आसन है। हाँ। नीचे बगल थे बैल में। हाँ। तो वहाँ से पानी की व्यवस्था थी यहाँ। हाँ। तो जनता ने सलाह करके यहाँ क्षेत्र के लोग बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए बनने की, चलो कुआ खुदवाओ। तो कुआ खुदवाओगे तो कुआ खोदो तो पानी नहीं निकला। हाँ। सिद्ध महाराज बैठ गए थे, अंदास नाम है जिनको, ये जगह स्थान। तो आसन लगा के बैठ गए थे तो 3 दिन बाद वहां में बम कैसो आवाज भाई, गोला फूटो और गोला फूटवे के बाद वहां में थे पानी जलो मड़ो गंगा मज्जा। तो पूरे गांव के आए के बाबा से कही कि बाबा आके खोलो अब तो महात्मा सिद्ध गुरु ये जल है चुको यहाँ समाधि। मतलब महात्मा को खुद पानी चल के आया, महात्मा चल के आया कुएं से अपने आप पानी। अपने आप था, हमें पानी नहीं था, पानी नहीं था उसमें कुछ नहीं था। कितने वर्ष पुरानी ये बात है? ये पानी वाली बात बैठेगी 125-150 साल पुरानी। अभी दोस्तों एनो गांव में आए हुए थे और यहाँ पर रास्ता नहीं था तो बाइक रख दी है वहाँ पर, और यहाँ से जा रहे हैं नदी के। ये ऊँचे नीचे भेड़ हैं, चंबल के भेड़ हैं ये, तो चले जा रहे हैं। राघव जी ने आज प्रण लिया है कि आज मैं एक भी मंदिर नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्यों राघव जी, क्या बोलोगे आप? कुछ भी नहीं कह सकते हम तो। बोलिए बोलिए, आज तो बोलना पड़ेगा आपको। अब मंदिर बना दिया लेकिन रास्ता नहीं है। देखिए गांव वालों ने घेर लिया हो गया। हाँ बस वही है ना कि खेती कर दी है तो रास्ता है ख़त्म। और ये एक छोटी सी पगडंडी रह गई है, तो यहाँ से जो है मंदिर पे पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए चूल्हे वगैरह ही बने हुए हैं, तो यहाँ भी लोग आके दाल टिक्कर बनाते हैं शायद। तो दोस्तों अभी हमारी यात्रा पहुंच गई ग्राम चंदोखर में, और यहाँ पर हमें कुछ युवा मिले जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमें हनुमान जी के दर्शन कराए अपने गांव में स्थित विभिन्न भिन्न मंदिरों पर। तो राघव जी अभी वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और ये दोनों तीनों भाई जो है ना ये आगे आगे इस बाइक से हमें
मार्गदर्शन करते रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी ग्राम चंदोखर में हैं हम, और यहाँ पर है राम जानकी मंदिर, और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। आप देखिए यहाँ पर जो आभा है कितनी अद्भुत है। तो दर्शन कर लीजिए, अब चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। काफ़ी बड़ा और प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर है सामने हनुमान जी महाराज। तो बोलो जय सिया राम। तो अभी दोस्तों हम खड़े हुए हैं पांडरी वाले हनुमान जी के मंदिर में, चंदोखर के पास, यानी गोद के पास ही चंदोखर है, और चंदोखर में ही है अभी, और रात होने वाली है। करीब जो टाइम है वो हो गया है 6 बजे का। तो अब यहाँ से गोद का रास्ता जो है वो करीब 20-25 किलोमीटर का, तो वो तय करके गोद पहुँचना है, लेकिन बीच में जो भी गाँव मिलेंगे तो वो मंदिर भी हम कवर करेंगे। तो अभी हमें दोस्तों भिंड डिस्ट्रिक्ट के चंदोखर गांव में, और चंदोखर से थोड़ा निकल गए, अब हम गोहद जा रहे हैं। तो गोहद में एक शादी है तो वहां अटेंड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कहां पर रुकने की व्यवस्था होती है। अभी फ़िलहाल राघव जी गए हुए हैं, सामने एक मंदिर है वहां पर, तो मैं आपको फिर कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो वहाँ दूर मंदिर है, तो वहाँ राघव जी दर्शन करके आ रहे हैं। तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 6:30 का हो गया है, 6:15 से ऊपर टाइम हो गया है, तो रात भी हो जाएगी। देखते हैं, अभी हमको 1 घंटा और लगेगा, आगे 1-2 गांव और मिलेंगे तो उनको और कवर करना है। तो मुझे लगता है कि 8 भी बज सकते हैं, 8 बज जाएंगे हमें गोद पहुँचते। तो अभी दोस्तों हम पहुँच गए एक बिल्कुल अंधेरे भरे गाँव में, यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह की व्यवस्था ठीक से नहीं है। अभी लाइट आ गई, देखिए जैसे नाम लिया वैसी लाइट आ गई, और यहाँ जो टाइम है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के मीटर में, 7:02 हो चुके हैं। तो अभी हमको करीब जाना है 5-6 किलोमीटर, आगे 1-2 गांव और मिलेंगे, उसके बाद सीधे अपनी यात्रा को आज समाप्त करेंगे, विश्राम करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गोहद में सैकुर वाले हनुमान जी मंदिर में, और ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, बहुत ही अद्भुत आभा है। तो अंदर चल के दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा पहुंच चुकी है गोहद में, और गोहद में मनीष सोनी जी के मकान में हम रुके हुए हैं। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे, सुबह फिर हम गोहद के जितने भी आसपास के मंदिर हैं और जो गांव उनको कवर करने वाले हैं। तो आप अगर चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो हम वहां पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे। और आज का जो ब्लॉग है यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया 11 बजे का, और एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। मिलते हैं सुबह, जय श्री राम।